हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक स्टूडेंट के एक और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के ऑफर्स के बारे में। इस ऑफर के दौरान आप कौन से स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं और कौन से स्मार्टफोन को आप स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड हो तो इस ऑफर के दौरान आप इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये सेल आपको 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक होने वाला है, यानी कि 6 डेज के बाद ये सेल स्टार्ट होने वाला है। इस सेल के दौरान आप नो कॉस्ट ईएमआई, कंप्लीट मोबाइल प्रोडक्शन और एक्सचेंज वैल्यू के कई सारे ऑफर्स के लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस ऑफर के दौरान आप कौन से स्मार्टफोन को ले सकते हैं और कौन से स्मार्टफोन को छोड़ सकते हैं। इस लिस्ट पर सबसे पहले देखने को मिलता है आपको रेडमी नोट 7 प्रो। ये स्मार्टफोन आपको करीब 11,000 रुपए में देखने को मिल सकता है। इस रेंज पर ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आप इससे कोई शिकायत नहीं की आपको 11,000 रुपए में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन इस प्राइस पर देखने को मिल सकता है, ये जरूर आप कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीवो के Z1 प्रो के बारे में। इसमें आपको पंच होल डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन मिलने वाला है और साथ में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल सकती है। और इसमें आपको ये प्राइस पर आपको स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। इस प्राइस पर यह स्मार्टफोन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक फीचर फोन यूज करते हो, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए Realme C2 अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये स्मार्टफोन पर भी आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं Redmi Note 7S, Realme 5। अगर आपका बजट करीब 9000 रुपीज है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन भी पिक कर लेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये दोनों स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है, इस प्राइस पर आप इस दोनों स्मार्टफोन के साथ आराम से जा सकते हैं। अगला स्मार्टफोन है Realme 5 Pro। ये स्मार्टफोन आपको करीब 13,000 रुपए में देखने को मिल सकता है और साथ आपको 1 रुपए में कंप्लीट मोबाइल प्रोडक्शन भी देखने को मिलती है। ये स्मार्टफोन आप बिल्कुल आराम से परचेस कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर मिलता है और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ यह स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Redmi K20 और Realme X। इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो मैं Realme X के साथ जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ बढ़िया डिफरेंस नहीं है। आपको प्रोसेसर के सिवा इन दोनों में बिल्कुल सेम ही देखने को मिल सकता है। आप Realme X के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको बढ़िया प्रोसेसर चाहिए तो आप Redmi K20 भी ले सकते हैं। अगर आपका प्राइस पॉइंट बिल्कुल 5000 रुपीज है तो आप Redmi 7A के साथ जा सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप एक अच्छा डिस्प्ले और अच्छा कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए Realme XT बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनेगा। आप इस प्राइस पर आप Realme XT को बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं Realme 3 Pro के बारे में। ये स्मार्टफोन आपको करीब 11,000 में मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन इस प्राइस पर आपको एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अगर आप एक हेवी गेमर हो, आप चाहते हो एक 15-16 हज़ार के रेंज में एक अच्छा सा बढ़िया सा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो, तो आपके लिए पोको F1 इस टाइम पर परचेस करना बहुत ही अच्छा माने जाएगा, क्योंकि आपको इस टाइम पर आपको पोको F1 664 GB वाला करीब 15,000 में मिलने वाला है। इस प्राइस पर एक किलर डील होगा, आप जरूर पोको F1 को परचेस कर सकते हैं। इस बार फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल पर Realme एंड Xiaomi ये दोनों कंपनीज आपको अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन्स अच्छे डील पर प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों के स्मार्टफोन्स के बीच में आपको बढ़िया वार देखने को मिलता है। ये दोनों वार के बीच में हमारा फायदा होता है, इसलिए आप इन दोनों ब्रांड्स को कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy S9 एंड S9 Plus। ये दोनों स्मार्टफोन को मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा जो Samsung लवर्स है। जो Samsung का फोन के अलावा कोई और स्मार्टफोन परचेस नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए इस प्राइस पर Samsung Galaxy S9 एंड S9 Plus दोनों भी अच्छा डील रहेगा। लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Google Pixel 3 एंड 3A। ये दोनों स्मार्टफोन आपको करीब 30-40 हज़ार में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, आप इन दोनों स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। अगर आप एक बढ़िया गेमर हो, आप इस सेल के दौरान एक बढ़िया सा गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए Nubia Red Magic 3 एंड Black Shark 2 ये दोनों भी अच्छा रहेगा, आप इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मेरा माने तो इन दोनों के अलावा ROG 2 स्मार्टफोन इन दोनों से बढ़िया डील होगा, आप इन दोनों को स्किप कर आप ROG 2 को कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Honor 20 और Oppo Reno 2 Z। ये दोनों स्मार्टफोन को आप स्किप कर देना, ये दोनों स्मार्टफोन
इस टाइम पर वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इन दोनों को आप खरीदना मत, इन दोनों को आप मेरा माने तो स्किप कर देना। अगर आप एक बढ़िया डील में एक बढ़िया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए Redmi K20 Pro बेस्ट डील होगा। आप इस प्राइस पर Redmi K20 Pro को आंख मूंच कर परचेस कर सकते हैं। लिस्ट में अगला स्मार्टफोन है Asus 6Z और Oppo Reno 10X Zoom। ये दोनों स्मार्टफोन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, फिलहाल के लिए ये दोनों स्मार्टफोन को आप स्किप कर देना। अगर आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप Redmi K20 Pro के साथ जा सकते हो, वो आपको Asus से भी 3000 सस्ते में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं Honor के फोन्स को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको Google अपडेट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए Honor के कोई भी स्मार्टफोन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप Honor के कोई भी स्मार्टफोन मत लेना। अगर आप Asus का स्मार्टफोन ही लेना चाहते हो तो आपके लिए Asus 5G बहुत ही अच्छा ऑप्शन माने जाएगा। इस टाइम पर आपको Asus 5G करीब 17,000 में मिलता है। इसमें आपको Snapdragon 845 देखने को मिल सकता है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में जितने सारे मोबाइल्स के बारे में मैं बताया है ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इस सेल के दौरान आप ₹1 में फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट वैल्यू पा सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप एक अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये ऑफर बिल्कुल सही है। इस टाइम पर आप स्मार्टफोन लेना बिल्कुल वर्थ होगा, इस टाइम पर आप स्मार्टफोन लेना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी होगा, इसलिए आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज का पूरा फायदा उठाइए, खुश रहिए। आज का वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।